Hello everyone, let's start with question number 4. It says the wheel of a car are of diameter 80 cm each. So, सबसे पहले हम information लिख लेते हैं जो भी हमें दी हुई है. सबसे पहले diameter दिया हुआ है इन्होंने wheel का हमें. It is 80 cm. Now it says how many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes? When the car is traveling at a speed of 66 km per hour. तो यहाँ पे अगर हमें रेडियस निकालना है तो रेडियस भी निकल जाएगा व्हील का. इट विल बी 40 सेंटीमीटर, राइट. अब डिस्टेंस कवर कितना करेगा व्हील इन वन रेवोल्यूशन वो निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने लगेंगे 10 मिनट में अगर उसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आर है. तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर होगा एक रेवोल्यूशन से. इट विल बी 2πr, राइट, कि सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रेवोल्यूशन. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वन रेवोल्यूशन की. सो 2πr के इक्वल होगा. अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो एक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब है कि बाहर वाला बांटना 2πr ना, एरिया से तो कोई मतलब नहीं है. तो 2 × 22/7 × r, r क्या है हमारा 40. तो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 1760/7 cm, राइट. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रेवोल्यूशन कितना हो गया आपका 1760/7 cm. अब हमसे पूछा जा रहा है कि स्पीड जो है उनकी वो 66 किलोमीटर पर आर है. तो 66 किलोमीटर पर आर से मतलब क्या है कि एक घंटे में वो 66 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है, राइट. डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन आवर, एक घंटे में कितने हो रहे हैं 66 किलोमीटर. लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखो, एक किलोमीटर और एक सेंटीमीटर में है तो ये तो नहीं चलेगा. हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कवर करना पड़ेगा. सो दिस विल बी 66,000 meters. और अगर सेंटीमीटर में करना है तो ये हो जाएगा आपका, देयर विल बी 50s इन इट. सो ये हो गया आपका सेंटीमीटर. अब यार डिस्टेंस कवर्ड हमें दिखाना है 10 मिनट के लिए. ये तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक घंटे की. 10 मिनट के लिए क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 10 मिनट्स विल बी, एक तो हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 50s, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 60 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला था, एक घंटा. एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 60 यहाँ पे आ जाएंगे हमारे. तो 66, 5 × 0, देन वी हैव 10 एंड एट द बॉटम वी हैव 60. क्यों, हमें 10 मिनट का निकालना था, इस वजह से. 60 से 0 कैंसिल कर दो, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका पूरा नंबर, तो आपके पास आ गया, दिस इज 11 लाख, राइट. तो 11 लाख सेंटीमीटर वो कवर कर सकता है. अब हमें बताना है कि कितने रेवोल्यूशंस लगेंगे, कितने रेवोल्यूशंस लगेंगे कि वो 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस कवर कर सकता है, राइट. तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होता है आपका, इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 11 लाख सेंटीमीटर. उसके बाद डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन कितना था आपका, इट वॉज 1760/7, 7 ऊपर चला जाएगा आपका. इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर एज 4375. मतलब इतने रेवोल्यूशंस लगेंगे, 4375 रेवोल्यूशंस लगेंगे 10 मिनट में. तो हमने किया क्या, सबसे पहले तो हमने वन रेवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस ट्रेवल निकाला, फिर उसके बाद हमने एक घंटे के लिए निकाला कि एक घंटे में कितना ट्रैवल कर सकते हैं, फिर उसके बाद हमने निकाला फॉर 10 मिनट, क्योंकि उन्होंने बोला था 10 मिनट के लिए चाहिए हमें रेवोल्यूशंस. तो 10 मिनट्स की जैसे ही डिस्टेंस आया वैसे ही मैंने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाल दिया. कौन से फॉर्मूले से, लिख लो अपने पास, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस ऑफ वन रेवोल्यूशन. तो आपने ध्यान रखना है कि हमने वन रेवोल्यूशन का भी निकालना है
और जो गिवन टाइम है उसका निकालना है, उन दोनों को डिवाइड कर देना है. सो दैट्स इट. दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड विद दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.